हेलो स्टूडेंट्स, सो हियर वी स्टार्ट आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर. स्केलर आर एनी नंबर. स्केलर मतलब एनी नंबर. ओके, सो देखो यहाँ हम वाऊ ना स्टार्ट करेंगे हम क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर. देखो जैसे कि लास्ट इसके पहले जस्ट हमने आपको बता दिया था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस. ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब हमने उसमें बताया था कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है. ओके, एनी डाउट? ओके, फिर हमने बताया था मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है. सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे किसी भी नंबर से, ध्यान देना, किसी नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और किसी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. बोथ आर डिफरेंट. समझ में आ रहा है ना, मतलब बोथ आर बिल्कुल डिफर. तो आपको पहले तो हम बताएंगे किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स में हाउ कैन बी मल्टीप्लाई. ओके, एंड देन आफ्टर हम आपको बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. यहां तक समझ में आया कि बात नहीं? पहले ये बताओ आप, अच्छे समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो पहले आप देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ नंबर कैसे हम करते हैं. सपोज करो जस्ट लुक एट हियर, आपका टॉपिक है, ध्यान देना, जस्ट वेट, ये है जैसे ठीक है, आपका ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ नंबर. वो नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर डेट बिलोंग्स टू रियल नंबर. समझ में आ रहा है ना, एनी नंबर यू कैन टेक. ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम आपको ये कहे बाबू कि आप कोई मैट्रिक्स ए ले लो, ए इक्वल्स हम आपको कह दे बाबू आप मैट्रिक्स ले लो. सपोज कर हम आपको 2+2 की मैट्रिक्स दे रहे हैं, इसका मतलब हम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहे हैं ऑफ ऑर्डर कितना है 2+2. चलो ऐसे हम आपसे कहें यहाँ 3 ले लो, 8, 6, 5. ओके, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बता. देखो थोड़ा सा हम आपको इसके पहले जस्ट रिकॉल करा दे रहे हैं. सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर कितना होता है इसमें नंबर ऑफ रो काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, इसका होता है 2, रो 2, कॉलम इसमें कितने हैं, तो कॉलम 2, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2+3, ये ऑर्डर होता है. समझ में आ रहा, ये आपका ऑर्डर हो गया. ओके, अब देखो फिर इसमें क्या आएगा, हम आपको जस्ट पीछे से थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं. इसका एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 8 है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 5 है. समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो अगर सपोज का हम यहाँ जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये थोड़ा देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ नंबर. सपोज से हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया. ओके, मतलब ये कोई भी मैट्रिक्स होती है, अभी देखो हम आपको इन पर्टिकुलर बता रहे हैं, जस्ट इसके बाद हम आपको इन जनरल मैट्रिक्स बताएं. ओके, अब सपोज कर हमने कोई नंबर कहा, हमने कहा लेट एनी नंबर, मान लो हमने कोई नंबर लिया एनी नंबर, मान लो सपोज हमने 5 का. ओके, तो यानी कि इस नंबर से आपको इस नंबर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने का मतलब यानी ध्यान देना, इस नंबर से इस मैट्रिक्स यही है ना, ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये, यानी इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है. इसका मतलब जब आप 5 × A करोगे तो इसका मतलब इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी ये होगा 5 × this. समझ पा रहे हैं? 3, 8, 6 और 5. ओके, अब ध्यान देना, ये मल्टीप्लिकेशन होता ना बाबू, ऐसे ध्यान देना, ये जो 5 है ना, इसके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं ना, इन सारे एलिमेंट्स में ये जो 5 है या जो स्केलर है या जो नंबर है, इस नंबर का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता बस, और इसके बाहर का कुछ है ही नहीं. समझ पा रहे? ठीक है, जैसे यहाँ देखो 5 है ना, तो 5 का इस मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट हैं सब में मल्टीप्लाई हो जाए, इसका मतलब यहाँ हुआ आपका 5 × 3. ओके, अब देखो फिर 5 × 8, हाँ ध्यान देना, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे वो पोजीशन आपका वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पोजीशन चेंज हो जाएगा, सब बस आपका ये जैसे हम आपको ऐसे समझा दे रहे डायग्राम से थोड़ा सा, इसलिए इसका पहले मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के साथ होगा, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते. ओके,
देन आफ्टर जस्ट वेट देन आफ्टर यस इस एलिमेंट का फिर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बाबू, तो इसके साथ होगा। ओके ठीक है। देन आफ्टर देखो फिर इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। ओके एंड फाइनली जस्ट वेट यस अब फाइनली दिस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, बस इसके बाहर कुछ सही नहीं। देखो जैसे जब हमने 5 के 3 में मल्टीप्लाई कर लिया, इसे हम आपको अलग अलग ही समझा था। जैसे देखो जैसे हमने 5 के 3 में मल्टीप्लाई किया ना, चलो बाबू जब हमने 5 के 3 में मल्टीप्लाई किया इसका मतलब क्या होना चाहिए, 5 × 3। ओके ठीक है। अब फिर देखो फिर हम क्या कहें, इस 5 का 8 में मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि यहाँ क्या लिखे वो 5 × 3। समझ में आ रहा? ओके अब फिर देखो हमने क्या कहा, फिर इस 5 का इस 6 में मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी इस 5 का 6 में, इसका मतलब 5 × 6। समझ में आ रहा? ठीक है। अब देखो फिर इस 5 का देखो किसके साथ किया है, 5 का यानी इस 5 का इसके साथ, इसका मतलब ये आपका हुआ 5 × 5। ओके इसके बाद आप इसको क्या करोगे, ऐसे ब्रैकेट जो भी आपका जस्ट है ठीक है, ऐसे जो भी आपका ब्रैकेट है ऐसे क्लोज। समझ पा रहे? अब देखो इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये ध्यान देना क्या आएगा, ध्यान देना यस ऐसे देना आपका ऐसे थोड़ा इसको सही बना लेना, ये बिल्कुल स्क्वायर होता ना स्क्वायर ब्रैकेट ये यस यस। ओके अब ध्यान देना 5 × 3 जा कितना आएगा बाबू, तो 5 × 3 जा कितना आएगा 15। ओके 8 × 5 कितना आएगा, तो 5 × 8 कहोगे सर आप 40 आएगा, चलो बाबू 40। ओके 5 × 6 कितना आएगा, तो 5 × 6 आएगा आपका 30। चलो अब 5 × 5 कितना आएगा, 5 × 5 आएगा 20। यानी कि ये जो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स ए में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किए यानी 5 से मल्टीप्लाई किए, देन दिस मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 कन्वर्टेड इनटू दिस। समझ पा रहे हैं? यानी ये आपका फिर आंसर फाइनल। समझ पा रहे हैं? यानी कि किसी मैट्रिक्स में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते ना, तो ऐसे हर एक एलिमेंट भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो इन जनरल, जैसे देखो जैसे हम आपको इन जनरल बता दें ठीक है, जैसे देखो मान लो सपोज आपकी कोई मैट्रिक्स है, ऐसे आप ले सकते हो यस यस, जैसे कि आप ऐसे ले सकते हो, मान लो कोई मैट्रिक्स है, चलो ए मान लो कोई मैट्रिक्स है, ए जैसे मान लो ए बी सी डी 2+2 की है, कितने भी ऑर्डर ले सकते हो, ध्यान देना ऑर्डर आप किसी मैट्रिक्स या कुछ भी ले सकते हो, इसमें आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर स्क्वायर ही होना चाहिए या 2+2 या 3+3, ऐसा कुछ नहीं। मैट्रिक्स का ऑर्डर 1+2 भी हो सकता है, 2+1 भी हो सकता है, 4+5 हो सकता है, 5+4 हो सकता है, 6+6 हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ पा रहे हैं ना? मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायरी मैट्रिक्स हो तभी इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे जैसे हम आपको मान लो आपसे कहीं कोई मैट्रिक्स है, इसमें 2 × 5 है, ओके हम कह रहे हैं ये मैट्रिक्स मांगती है, हम कह रहे हैं इस मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करो, देन 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल स्क्वायर नहीं, इसमें कितने देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, यानी 1+2 की मैट्रिक्स है तो स्क्वायर है ही नहीं। स्क्वायर होने का मतलब ये होता है ना बाबू, ये जितने नंबर ऑफ रो उतने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए तभी तो स्क्वायर होगा ना, यानी ये आपका मैट्रिक्स क्या हुआ स्क्वायर नहीं है। चलो लेकिन सपोज अगर इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से अगर यहाँ 3 करें तो यहाँ भी हमें 3 करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ये बिकम्स अभी हमने क्या कहा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते ना वो नंबर इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये नंबर पहले 2 के साथ होगा एंड देन आफ्टर ये नंबर 5 के साथ होगा, तो 3 × 2 जा कितना आएगा 6 और 3 × 5 जा। समझ पा रहे हैं? इसके अगर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ पा रहे? वैसे अगर सपोज कोई मैट्रिक्स है, सपोज कर हमने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, अगर किसी स्केलर से मान लो सपोज कर हम कोई स्केलर ले रहे हैं, मान लो कोई n से आप सोचो इसमें मल्टीप्लाई, यानी मतलब कोई नंबर होगा कुछ भी हो सकता है, अगर इस n से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें इस n से इस n में, देन इट बिकम्स देखो n into a यानी n a, फिर n into b का मतलब nb, फिर n into c का मतलब nc, फिर n into d का मतलब nd, यानी ये आपका मल्टीप्लीकेशन।
जैसे कि हमने इसमें किया। ठीक है, यानी आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लीकेशन आपका मैट्रिक्स वाइज ये नंबर कैसे हम करते। ठीक है, चल जब ये चीज आपको समझ में आ गया, इसके बाद से हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखो यही किया बिल्कुल जैसे हमने बताया, समझ पा रहे हैं ना, सेम वही किया। अब देखो ये थोड़ी सा रिमार्क देख सकते हो, कह रहा है ए बी सी आर द मैट्रिसेस, आप इसको देख सकते हो, कह रहा है ए बी सी आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन, तो ये कह रहा है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव, और ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव। अब देखना ए प्लस जीरो इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू, देखना ए प्लस जीरो इक्वल टू ए इक्वल टू ए प्लस जीरो, इसका मतलब ये कौन सा रूल हुआ, वो जीरो इसको नहीं बोलेंगे, जीरो इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। और देखो ए प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, वेयर जीरो इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए। समझ में आ रहा है, यानी ध्यान देना, जब भी हमने क्या स्टार्टिंग में बताया था ना, दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके एलिमेंट सेम, समझ पा रहे हैं ना, लेकिन यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो गया ना, पक्का है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन के लिए ये जरूरी नहीं है ना कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन के लिए उनका दोनों का क्या हो जाए ऑर्डर सेम हो। जैसे आप जस्ट हम अभी आपको जस्ट कराएंगे, पहले आप थोड़ा सा ये देखो, यस अब कह रहे सॉल्व मैट्रिक्स इक्वेशन, यस मैट्रिक्स इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे ये आपको यहाँ बताया गया। देखो टू सॉल्व मैट्रिक्स इक्वेशन ए प्लस एक्स इक्वल टू बी वेयर ए बी एंड एक्स आर अननोन मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर यू प्रोसीड इन द फॉलोइंग सिमिलर वे। जैसे ये कह रहा है अगर दोनों मैट्रिक्स मैट्रिक्स प्लस एक्स इक्वल टू माइनस, आप ये ट्रांसपोजिंग वगैरह के कुछ रूल्स है। ठीक है, जैसे सपोज के यदि हम मान लो इस क्वेश्चन को जस्ट हम देख रहे हैं, जैसे ये कह रहा है इफ ए इक्वल टू दिस वे, ठीक है इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन फाइंड टू ए माइनस थ्री बी। जस्ट देखो हमने क्या कहा, ये एक्चुअली कोई नंबर है ना, इस नंबर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है, इस नंबर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, ऐसे हो गया एंड बी फिर देखो फिर क्या है थ्री, तो थ्री से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसमें मान लो थ्री से यानी इसमें ऐसे ओके, अब जो दोनों आया दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, ये आपका समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। अब देखो यही कह रहा है इसमें एक्स वाई का आपको वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ नहीं, आप इस नंबर सब में मल्टीप्लाई करो, उसके बाद से दोनों मैट्रिक्स से क्या आप ऐड करो, उसके बाद सबको कंपेयर करो, कंपेयर करो देन यू गेट योर आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख सकते हो। अब ये कह रहा है गिवन ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस सी इक्वल टू दिस फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू टू बी प्लस एक्स। ये कह रहा है अगर ऐसी सारी मैट्रिक्स हैं तो हमें x की वैल्यू बतानी चाहिए इस तरह से कि a प्लस x इक्वल टू टू बी प्लस सी। ठीक है, तो बस सारे आप वैल्यू रखो, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसने रख लिया x की वैल्यू है, सब भी यहाँ वैल्यू रखो एंड देन यू गेट एंड देन यू आंसर। समझ में आ रहा है, ऐसे मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन है और यू कैन इजिली सॉल्व इट इजली वेरी इजली। ये कह रहा है गिवन दैट m इक्वल टू दिस n इक्वल टू दिस फाइंड m प्लस 2n, कर नहीं सकते जी, अरे बाबू m की वैल्यू क्या है 0 a 2 0 1 2। अब ये कह रहा है 2n, क्या कह रहा है 2 इंटू n, यानी 2 इंटू n का मतलब 2 इंटू n का मतलब ये ध्यान देना यहाँ क्या आएगा 2 की जा 4 और 0 और देखो माइनस 2 और 2 की जा 4। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 टू 6, समझ में आ रहा है ना। अब ये देखो ये 0 ये 1 माइनस माइनस मिलकर क्या आएगा, ध्यान देना एक्चुअली हमें सॉल्व करना है ना, ऐड करना है तो यहाँ प्लस होगा ना, यस प्लस होगा। अब देखो 1 आप प्लस माइनस मिलकर माइनस यानी ये माइनस 1 और 2 और देखो ये जो भी होगा क्या है जैसे यस 4 है यानी 2 प्लस 4 2 प्लस 4 का मतलब यानी ये आपका आंसर है। समझ पा रहे हैं, यानी ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है, वही सेम सेम प्रोसेस सारे आप कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट सॉरी इजी वेरी वेरी इजी। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, आप देखो ये क्वेश्चन सारे आपके पूछे गए एग्जाम्स में। सो आप देखो ये कह रहे हैं एक्स दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो यहाँ से कुछ नहीं आपको करना क्या होता है ना, एम जो मैट्रिक्स है ध्यान देना ये मैट्रिक्स है
इसको आपको ऑर्डर देखो फाइंड आउट पहले करो जी, इसका जितना ऑर्डर होगा एक्चुअली एडिशन हुआ है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। ये बताओ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। इसको मान लो कि हम जो एम जो मैट्रिक्स था इसको हम ए बी सी डी लेंगे, ए बी सी डी अब प्लस ये दोनों को ऐड कर लो इक्वल टू ये, दोनों से कंपेयर कर लो, वहाँ से आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आप एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना ये सारे। अब देखो अब हम मेन आपके जो मेन टॉपिक है ना इसको हम जो भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सही से बताएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस होते क्या है? अब तक देखो हमने बस ये बताया था इस लेक्चर में कि क्या किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, उसके बाद हमने थोड़ा सा आपको रिकॉल कराया था क्या है कि सम ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, इससे कुछ एग्जाम्पल्स जो भी हमने एक्सरसाइज से कुछ हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट भी थे। जैसे ये देखो ये कह रहे फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस, तो आपको x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। यस, अ वेरी क्वेश्चन गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट। यस, जैसे इसमें देखो आपको ये x प्लस y की वैल्यू ये गिवन है और x माइनस y की वैल्यू गिवन है, आपको इसमें कह रहे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। कुछ सोचो अगर x की वैल्यू ये गिवन है, मान लो इक्वेशन 1 ले लिए, इसको इक्वेशन 2 ले लिए, ओके दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया तो x और x में कितना है 2x इक्वल्स। ओके, अब ध्यान रहे इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करो तो 7 3 कितना आएगा 10 और ये 0। ओके, और ये देखना जस्ट वेट ये यस, अब इन दोनों को 2 और 0 को ऐड करोगे तो 2 और 5 और 3 को ऐड करोगे तो 8। ओके, अब यहाँ आपको x की y की वैल्यू बतानी है ना, तो x की वैल्यू बताने के लिए डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये आपका डिवाइड बाय 2 होने का मतलब 5 0 1, और समझ में आ रहा है ना, तो ये आपका x की वैल्यू होगी। समझ ऐसे आप x की वैल्यू जो भी आप किसी इक्वेशन में पुट कर दोगे ना इसमें या इसमें, आपको वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को देखते हुए चलोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज से भी हो जाएंगे। देखो लगभग मैंने हमने मैक्सिमम आपको क्लियरिफाई करा दिया। ठीक है, ठीक है, कैसे आप जिस कैसे सॉल्व करो, इसलिए कह रहा है दिस इंटू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस एंड फाइंड वैल्यू एक्स वाई जेड, कुछ नहीं इसका सब भी मल्टीप्लाई करो ऐड करो फिर कंपेयर करो एंड देन यू गेट योर आंसर। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे मैट्रिक्स का आप कर सकते हैं। इसके बाद से जस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स हैं उनके मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे। ओके, वी विल जस्ट स्टार्ट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।